में कोरोना का कहर जारी। रविवार को पहली बार एक दिन में सामने आए 40,000 से ज्यादा केस। संक्रमण के बढ़ते मामलों से बढ़ रही चुनौती। कई शहरों में उपचार के अभाव में जान गंवा रहे मरीज। सरकार के नियंत्रण दावों की खुल रही पोल। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अभिनेत्री तापसी पन्नूर से लिया पंगा। बी एक्टर कहने पर जवाब में बोली तापसी, कुछ लोग सुशांत की मौत का उठा रहे हैं फायदा। बीच में कूदी स्वरा भास्कर तो ट्विटर पर हुई ट्रोल। फरार उद्योगपति विजय माल्या ने फिर खेला नया दांव। 13,960 करोड़ बैंकों को चुकाने को तैयार। भारत लाए जाने के भय से माल्या की नई पैंतरेबाजी। बैंकों से लोन लेकर फरार हो गया था विजय माल्या। सरकार ने कसा है शिकंजा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का शुभारंभ। राज्य की सभी समितियों को 6 महीने के भीतर डिजिटल करने की तैयारी। मुख्यमंत्री बोले, बदलाव से आएगी कामकाज में पारदर्शिता, पकड़े जाएंगे घोटालेबाज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का पुतला। गहलोत सरकार गिराने को लेकर सामने आया है गजेंद्र सिंह का ऑडियो टेप। भाजपा के खिलाफ हमलावर है कांग्रेस। उसके आधार पर आज हमारे सभी युवा साथियों ने कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं, जो बीजेपी के बहकाव में आकर, जिनको राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट देकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजा था, वो अपने स्वार्थ के लिए और बीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर, जो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन ना देकर और बागी हो चुके हैं और कांग्रेस को लोकतंत्र से हटाना चाहते हैं, ऐसे विधायकों के आज विरोध में हमने प्रदर्शन किया। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख की बात आई है सामने, उनका विरोध करते हुए इसी उनका खुदसा दहन किया है। और लोकतंत्र के ऐसे हत्यारे, जो सत्ता में बनी हुई सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसको गिराने में लगे हुए हैं, ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में काम कर रही है उसी तरीके से अच्छे काम करती रहे। गहलोत सरकार, जिन्होंने कोरोना जैसे महामारी में भी चलते हुए जो काम किए और जनता को राहत दी, ऐसी सुविधाएं हमेशा देते रहे। बिहार में आसमानी बिजली का फिर बरपा कहर। 14 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। खौफ में जी रहे नागरिक बोले, लॉकडाउन में जान ले रहा वज्रपात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया है जरूरी एहतियात बरतने और जागरूकता फैलाने का निर्देश। अभी हमको पता चला है कि भर्रा गाछी टोला में वार्ड नंबर 1 में एक कुंदन नाम के लड़का की मृत्यु हो गई। उसको जो बचाने के लिए गया उसका भाई, वो भी घायल है और उनको अभी हॉस्पिटल में इलाजरत में है। बहुत गरीब आदमी है। हम सरकार से मांग करते हैं जो मुआवजा है उसको जल्द से जल्द। कुंदन जो है सो लेफ्टिंग जा रहा था, रास्ते में पोल का तार गिरा हुआ था, उसी में उसको करंट लग गया है। और उसका भाई बिट्टू कुमार जो है वो भी उसको बचाने के अथि में वो भी घायल हो गया। एक की मौत हो गई और हाँ, एक की मौत स्पॉट पर ही हो गया, दूसरा को डॉक्टर के यहाँ ले गया है। क्या नाम है मृतक का? नाम क्या है मृतक का? नाम है कुंदन कुमार। उनके पिताजी का नाम क्या? अवधेश कुमार शाह। कहाँ गए रहे? गाछी टोला भर्रा। बिहार के मोतिहारी में मुख्यमंत्री नल जल योजना में घोटाला। सरकारी फाइलों में लगे नल लेकिन जमीन पर नहीं उतरी योजना। जनता के सामने पेयजल का संकट, बाढ़ से कुएं भी हुए गंदे, कैसे मिटेगी प्यास। मुखिया को रही पंचायत वार्ड संख्या 8, ये तो साल भर से ऊपर हो गया बना हुआ, पानी का सप्लाई नहीं, कहीं पाइप फूटा है तो कहीं लगबे नहीं किया है। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। बोले, बीमारी के लक्षण नहीं फिर भी खुद किया क्वारंटीन, संपर्क में आने वालों से की कोरोना जांच करवाने और होम क्वारंटाइन रहने की अपील। महाराष्ट्र में किसानों का जगह जगह दूध आंदोलन। अकोला में सड़क और पत्थरों पर फेंक कर किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार से रेट बढ़ाने की मांग। 30 रुपए प्रति लीटर करो दाम वरना और बढ़ेगा आंदोलन। भाव न देना सरकार का।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किया दावा, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने कोरोना मरीजों को लूटा तो खैर नहीं, मनमानी पर अस्पताल के खिलाफ होगी कार्रवाई। जनता से मिल रहे शिकायतों के बाद सरकार हुई चौकन्नी, इलाज के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लूटने का आरोप।